हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की डेट की अगर बात करें, एक वीडियो अभी रिसेंटली यहां पर डाली गई है, इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। एक बेहतरीन शेयर से रिलेटेड, उसके चार्ट पैटर्न से रिलेटेड बातें करी गई है और बेहतरीन यहां पर रिटर्न्स मिलने के, यहां पर अच्छे खासे रिटर्न हमें मिल सकते हैं। तो अगर अब बात करें इसके अलावा और भी कुछ चीज़ों की, तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर बनाई गई है आपके लिए। इन वीडियो को जाके देखिए, इन वीडियो में आपको पता चलेगा। यहाँ पर जैसे IRCTC से लिए कहा था कि अभी खरीदने की जल्दबाजी मत करिएगा, आज की डेट में गिरता हुआ दिखाई दिया शेयर। इसके अलावा स्टॉक से रिलेटेड बातें करी गई, यहाँ पर 30 स्टॉक से रिलेटेड बातें करी गई। जहाँ पर अगर बात करें तो इन स्टॉक्स में अच्छा खासा का शेयर यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिए और बहुत सारे शेयर अभी भी ऐसे हैं जो कि अच्छे खासे भाग सकते हैं। तो उन शेयर की तरफ नजर रखिए, स्टडी करिए और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। और अगर बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में बात करने वाले एप्पल इंडिया। अगर बात करें एप्पल इंडिया, यहाँ पर पहले भी यहाँ पर एक कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। आज की डेट में उस दिन भी लोअर सर्किट लगा था, आज के दिन भी लोअर सर्किट लगा है। तो लोअर सर्किट के रीजन से यहाँ पर वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि आपको समझाया जा सके एग्जैक्टली हुआ क्या है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई गई है आपके लिए, तो इन प्लेलिस्ट को जाके गो थ्रू करिए। इनमें अच्छी खासी वीडियोस बनाई गई है, इन वीडियो को जाके देखिए तो आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में, क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट यहाँ पर खुल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर कुछ चीज़ों की, तो देखिए एफ एल इंडिया की अगर बात करें, जब ये मार्केट क्रैश हुई थी पैंडमिक में, तो उस समय इसका जो RSI था, इसका RSI लगभग 19 और 20 के आसपास चल रहा था। उस टाइम इतना ये गिरा हुआ था कि 19 के RSI पे आ गया था। बट इस बार की बात करें तो इस बार जो RSI है वो 16.51 के आसपास चल रहा है, मतलब उससे भी ज़्यादा का यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है इन द टर्म्स ऑफ RSI। बट अगर बात करें किसके टर्म्स में, अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कितना गिरा था, तो उस टाइम लगभग ये शेयर गिरता हुआ नजर आया था कितना, 58% के आसपास। और अगर हम बात करें अभी की, तो अभी शेयर कितना गिर चुका है, तो अभी शेयर अच्छा खासा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग ये शेयर देख लीजिए 45% किसी शेयर का गिरना बहुत कोई मामूली बात नहीं होती। और अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर से और गिर सकता है या नहीं, इस चीज से रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए इस चैनल को। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एप्पल इंडिया, आज की डेट में लोअर सर्किट यहाँ देख सकते हैं लगता हुआ दिखाई दिया है। बट अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है। 800 रुपए का शेयर, ओके 6000 रुपए के शेयर पे जो इसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ पर देख लीजिए 6285 ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। और फिर उसके बाद से कंटिन्यूअसली गिरावट नजर आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सम न्यूज। अगर न्यूज की बात करें, उसमें भी अगर हम देखते हैं, एक तो नमूरा ने इसके इसके जो टारगेट है वो कम दिए थे, ओके उसने यहाँ पर डिग्रेड करता हुआ नजर आया था। तो अगर हम बात करें नमूरा की, तो नमूरा मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, नमूरा ने खुद यहाँ पर इसके 1.54% के यहाँ पर शेयर खरीद रखे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसने डाउनग्रेड कर दिया। और इसके अलावा इनका केस चल रहा था फोन पे से यहाँ पर सिंगापुर कोर्ट में, तो अगर बात करें उसे भी एफएल इंडिया विन करता हुआ दिखाई दिया। देखिए एफएल ग्लोबल विंस लीगल बैटल एज पे फेस टू एक्वायर 92% ऑफ ओस लैब्स जस्ट बिकॉज ऑफ सम वैल्यूएशन से रिलेटेड, किसी कंपनी को ये एक्वायर कर रहे थे। और एफएल इंडिया, वहां पर एफएल इंडिया की भी अगर बात करें एफएल ग्लोबल की, तो उसकी भी हिस्सेदारी है और बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है। तो वहां पर थोड़ा सा अगर बात करें कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दिया और वो केस यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और बाकी आगे पता चले क्या होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर बात करें, शेयर कल की डेट में तो फ्लैट था अगर यहाँ पर देखें, बट अचानक आज की डेट में यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर ऑपरेटर लास्ट टाइम भी जब वीडियो बनाई थी तब भी बताया था, ऑपरेटर बहुत ज्यादा हैवी है, ओके, और वो इस शेयर को जितना चाहेंगे उतना गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि उन्हें इस शेयर को चाहिए, और जब किसी चीज को चाहने की कर लेते हैं ना ऑपरेटर, तो वो चीज उन्हें बाई हुक और बाई क्रोक वो लेते ही है। तो बात करें यहाँ पर बाई हुक तो नहीं, बाई क्रोक यहाँ पर ये शेयर को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्रोक है इसमें? तो इसमें यहाँ पर ये शेयर को बार बार गिरते जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिटेल इन्वेस्टर के पास कितने शेयर होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे लास्ट में। बट बात करें यहाँ पर ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स के पास यहाँ पर बेहतरीन शेयर होते हुए नजर आते हैं, करोड़ ऑफ रुपीस के यहाँ पर शेयर नजर आते हैं। तो वो अभी शेयर को गिराते जा रहे हैं, क्योंकि बाइंग उनकी अच्छी खासी बाइंग है यहाँ पर लोअर लेवल से। तो यहाँ पर अगर बात करें शेयर को ऊपर लेवल से, वो कंटिन्यूसली गिराते जा रहे हैं, 45% तक गिरा चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं।
रिटेल इन्वेस्टर जो कि 6200 के आसपास भी उन्होंने खरीद रखा है, किसी में 500 के आसपास खरीद रखा है। तो मुझे क्या लगता है यहाँ पर एक अच्छी नीति तो ये है बाय ऑन डिप्स की, और कोई बाय ऑन डिप्स नहीं कर सकता, उन्हें घबराहट हो रही है कि शेयर गिर जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है आपको फिर वेट करना चाहिए। ओके, आपको बेचना नहीं चाहिए क्योंकि यही ऑपरेटर का काम होता है। ऑपरेटर प्रमोटर से ज्यादा किसी कंपनी में मायने रखते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। किसी भी शेयर में सबसे ज्यादा प्रमोटर्स मायने रखते हैं, प्रमोटर्स की जगह ऑपरेटर ऑपरेटर मायने रखते हैं, क्योंकि वही शेयर ऑपरेटर मतलब ऑपरेट करना, वही शेयर को ऑपरेट करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर एफएल इंडिया की, तो एफएल इंडिया में अगर बात करें 62% की होल्डिंग यहाँ प्रमोटर्स की है। एफआईज यहाँ पर होल्ड कर रहे हुए 17% के शेयर, एज वेल एज डीआईएस की बात करें यहाँ पर 6.93% के शेयर डीआईएस के पास भी है। पब्लिक की बात करें 13.19% की हिस्सेदारी है, और इसी में अगर बात करें 4% की हिस्सेदारी, जो 8% के शेयर जिनके पास है ना, अगर बात करें 8 मेजर रिटेल के जो छोटे मोटे इन्वेस्टर, उनके पास 1% की हिस्सेदारी होगी। जो 7% की हिस्सेदारी वाले है वो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं शेयर को, तो यहाँ पर जितना चाहे वो ले जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ ताकि आपको घबराहट ना हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्च का अगर डेटा देखें कैश फ्लो, तो कैश फ्लो कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे अच्छा कैश फ्लो इस बार का है। बैलेंस शीट की बात करें 333 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। ओके, डेट है कंपनी के पास, बट इतने सारे के रिजर्व्स है, चुका सकती है। अगर बात करें फिक्स एसेट, तो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसे खर्च करती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर इनकी फिक्स एसेट बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कंपनी काम कर रही है अच्छा खासा। कैश इक्विवेलेंट की बात करें, कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर देख सकते हैं 63% की, यहाँ पर 63 करोड़ के यहाँ पर कैश है इनके पास। ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा आ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, थोड़ी सी हिस्सेदारी दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने कम करी थी, बट अभी चल रहा है जून, इस क्वार्टर में भी इनकी हिस्सेदारी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, ये नहीं बेचने वाले। यहाँ पर बात कर रहे, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, इसी तरीके का काम चलता है, बट टेक्नोलॉजी से कम रिलेटेड कंपनी है, अच्छे खासे ये भागती हुई नजर आएगी आएगी आपको। डेट की बात करें, यहाँ पर 33% का यहाँ पर डेट है। आरओसी की बात करें, 39% का आरओसी है। बल्कि एक कंपनी करेक्ट हो रही है, और करेक्ट होकर आपको एक बेहतरीन कंपनी बन के दोबारा एक ओवर वैल्यूएशन जो चल रहा है वो ओवर वैल्यूएशन खत्म होकर अच्छा खासा यहाँ पर गेन देते हुए नजर आ रही है मुझे। सेल्स की बात करें, 142 करोड़ रुपीज की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 34 करोड़ रुपीज का यहाँ पर ऑपरेटिंग यहाँ पर प्रॉफिट है, और बात करें नेट प्रॉफिट वो 59 करोड़ का है। तो यहाँ पर देखेंगे सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स पिछले 2-3 क्वार्टर में नजर आ रही है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट एवर। जब यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल से रिलेटेड। तो अगर टेक्निकल से रिलेटेड बात करें, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। एक शेयर था जीएम फॉलो, तो देखिए उस चीज को समझना समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओएफएस लाया गया था, ओएफएस लाने के बाद ये शेयर बहुत ज्यादा डंप हुआ था। ये भी शेयर 6,000-7,000 रुपए तक गया था, उसके बाद आज तक नहीं पहुंचा उस लेवल पर। तो यहाँ पर डंप होता हुआ नजर आया, यहाँ पर ऑपरेटर ने प्रॉफिट बुक किया जितना करना था, और जो खेला होना था वो यहाँ पर हुआ। उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा शेयर 3,300 रुपए तक लाया गया, और उसके बाद यहाँ पर शेयर भगाया गया। क्यों भगाया गया? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें जीएम फॉर्डलर, यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ आपको आपके लिए, तो यहाँ पर देखिए अच्छे खासे इन्वेस्टर अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पर एफआईज भी है, डीआईएस भी है, और वो किसी भी शेयर को बेचने नहीं वाले। और जब यहाँ पर एफआईज है, डीआईएस है, बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के पास कितने, कोई भी किसी भी कितना भी मैनिपुलेट कर ले, तो यहाँ पर शेयर को दोबारा ऊपर जाना ही है। तो इसी तरीके से शेयर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और बात करें अच्छा खासा रिटर्न अभी की डेट में अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक दे चुका है। और यहाँ से दोबारा थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टाइम लगा है ऑब्वियस सी बात है, अक्टूबर 2020 से लेके यहाँ की बात करें तो लगभग 8 महीने हो चुके हैं, अभी भी शेयर ऑल टाइम हाई पे नहीं है, और शायद 6 महीने जा सकता है। बट अगर बात करें ऊपर तक जाने के लिए, बट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इसी तरीके से खेल यहाँ पर एफएल इंडिया में भी हो रहा है। यहाँ पर न्यूज है कुछ अलग, बट यहाँ पर ऑपरेटर है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि देखिए, मैंने 50 DMA के आसपास शेयर था, तब मैंने आपको वीडियो बना के दी थी 4800 के आसपास, कि यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। जब लोअर सर्किट लगा था, अगेन आई एम टेलिंग यू कि घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब शायद ये ऑपरेटर का खेल होगा कि वो 200 DMA के पास लाएंगे इस शेयर को, उसके बाद यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
पहली बात तो सपोर्ट, तो एक एक सपोर्ट देखिए यहाँ बन रहा था जो कि इसी सपोर्ट पे आके यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर रुक गया। देख लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट था, इसी सपोर्ट पे आके यहाँ पर रुका है दोबारा। और अगर बात करें ये सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट है 200 DMA, जो यहाँ पर लाइन देख रहे हैं ये 50 DMA की लाइन है, और ये बात करें 200 DMA। और कोई भी शेयर मोस्टली अगर या तो 50 DMA के आसपास मूव कर लेते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा गिरता है तो यहाँ पर अगर बात करें 200 DMA, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा। ऑपरेटर ने जो खेल खेलना था वो कर दिया, जितने शेयर उन्होंने लेने थे वो ले लिया। आई थिंक यहाँ से शेयर या तो ऊपर की तरफ जाना है, और RSI की बात करें तो RSI भी बहुत फेवरेबल हो गया 16%। इतना तो RSI पेंडेमिक में भी नहीं गिरा था, जो कि ऑलरेडी मैं आज डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस शेयर में घबराना नहीं है, अगर और थोड़ा नीचे गिरता है तो मैं तो इसमें एक्वायर कर रहा हूँ, मैंने आज भी खरीदा है, और मैं और भी गिरेगा तो मैं और भी खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा शेयर है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, शायद मुझे 6 महीने इसमें भी देने पड़े। और अगर बात करें दोबारा ये थोड़ा सा और गिरता है तो उसमें और 1 साल देना पड़ेगा, बट कोई घबराने की बात नहीं है, काफी बेहतरीन शेयर है तो ऊपर ही जाना है। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल आपको समझाने का चीज थी कि क्या हो रहा है शेयर में। 200 DMA पे आ चुका है शेयर, शायद थोड़ा सा 150 रुपये और कनेक्ट हो सकता है, उसके बाद शेयर को ऊपर जाना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, घबराइए बिल्कुल भी मत, शेयर काफी बेहतरीन है, अच्छे खासे रिजल्ट है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कोई कमेंट है तो कमेंट करिए, कुछ बात पूछनी है कमेंट करिए, इसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।